हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कुकृति रॉक स्टार में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पकौड़े। वो इसलिए क्योंकि कहते हैं ना, आज वैदिक वैसे हो गया 4 मंथ का। और कहते हैं ना, कोई भी मतलब नई चीज़ की शुरुआत करो या मतलब कोई अच्छा दिन हो तो शुरुआत पकौड़ों से करनी चाहिए। तो वही हम करने जा रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। तो किस चीज़ के पकोड़े बन रहे हैं यहाँ पे? ओके। यहाँ पर बन रहे हैं आलू के, प्याज के, अरे वाह, अभी और गोभी, सामने मिर्च भी रखी है। मिर्च के भी बन रहे हैं मिर्च डालूंगी क्या? मिर्च बीच में डालूंगी ताकि थोड़ा चटपटा तो होना अच्छा। चाहिए। हाँ मिर्च बिल्कुल बिल्कुल, धनिया पके भी गोभी जब पकोड़े बन रहे तो भी थोड़े बहुत चटपटे तो होने होने चाहिए। खैर चाहिए। हाँ सही बात बिल्कुल, है। पके भी गोभी देखते हैं, मिल जाए तो बन जाएगी, नहीं मिले तो आलू प्याज में काम चला लेंगे। तो आज बहुत अच्छा दिन है, जो कि वैदिक 4 मंथ का हो गया है। लेकिन अभी और थोड़ा घायल पड़ा है सही बात है, कल जो है वैदिक को वैक्सीन लगी थी, तो तभी उसकी ठीक वजह हो से रहा थोड़ा है। बहुत फीवर अभी हो रहा है। कल वैक्सीन लगी थी वैदिक को, आज लग रही है वैक्सीन मुझे। अरे हाँ, आप तो भी तो जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने हाँ, कोविड की। काफ़ी टाइम से हम ट्राई कर रहे थे वैक्सीन लगवाने की, उसमें आरोग्य सेतु में, लेकिन वो जैसे ही ओपन होता है वैसे ही क्लोज हो जाता है। सीट दो सारी मिनट फुल हो जाती सीट है, सारी फुल हो बड़ी जाती मुश्किल है। से मौका लगा तो आप जा रहे हैं आज वैक्सीन लगवाने। चलो तो ठीक है, बढ़िया है कि वैक्सीन लग जाएगी। चलो भी थोड़ा बहुत सेफ तो रहेंगे। आप भी बताइएगा किस किस को वैक्सीन लग गई है और किस किस को नहीं लगी है, कौन हमारी तरह वेटिंग में है अभी। कुछ कुछ लोग तो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं वैक्सीन लगवाने के में कि कुछ उनको कहीं कुछ हो ना जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते भी हैं कि लगवाएं हाँ लगवाएं, अरे वैक्सीन ऐसा लगवाएं कुछ नहीं लगवाएं। है, लगवाओ भैया। सबकी अपनी अपनी इम्यून पावर है, किसी को फीवर आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, किसी को और ज्यादा फीवर आ रहा है। फीवर आना भी चाहिए जब तुम इतनी बड़ी डोज लगवा रहे हो, तो फीवर तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली थोड़ा बहुत obviously... चेंजेस होते हैं बॉडी में तो होता ही है कुछ ना कुछ। तो जो ये पकोड़े बन रहे हैं आलू और प्याज के, ये मिक्स बन रहे हैं राइट? हाँ मिक्स पकौड़े बन रहे हैं, अभी और गोभी ये के भी बनेंगे, अगर मिल गई तो ये देखते हैं, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। आलू प्याज के पकोड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं। हाँ तो ऑब्वियसली, चलिए हम वैक्सीन लगवा के आएंगे और हमें पकोड़े खाने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो खा के जाओगे अच्छा खा के जाएंगे, और चलो बहुत क्या, अच्छी बात है। वहां से आके टाइम लगेगा, वहां से चलिए आके तुम सबको फ्रूटी पीनी और सो जाना है अरे वाह, सोना हमारे नसीब में कहाँ है। सोना ही पड़ेगा हमें। तो ये मम्मी बना रही है यहाँ पे घी, और देखिए कितना सारा घी निकाला है मम्मी ने यहाँ पे। मक्खन है भी? अच्छा अभी हाँ मक्खन मक्खन है। मक्खन है ना भी? हाँ मक्खन है। ये कह रहे घी निकाला है, घी तो आप घी तो घी आप बनाएंगे ना। अच्छा और मम्मी जो घी जो है, हमने पहले भी शायद एक दो बार बताया था, मम्मी बनाती हैं तो हम घी वही खाते हैं, मम्मी बनाती रहते हैं तो और हाँ काफ़ी ये टाइम भी से, है ना, जिसको मैं रखूँ। काफ़ी टाइम से मम्मी जो है घी बना रही है। मम्मी कितने टाइम से बना रही है आप घी? हाँ? कितने टाइम से बना रही है आप घी? तुम तो बचपन से खाते आ बहुत रहे हो, बचपन से खाते आ रहे हो, हाँ सही तुझे बात है तुझे नहीं पता। और हम 2.5-3 साल से खाते जा रहे हैं, सही और हम बात यही है। मतलब यही घी प्रेफर करते हैं, बाहर के घी को तो ऐसे ही मिलावट होती है, तो अभी बाहर के घी में मिलावट होता है, अपने घी में हाँ सही बात है, चम्मच सही बात से है, खाओ सही रोटी में बात है। खाओ मम्मी मम्मी खाओ। बनाती है इसको बहुत सफाई से, है हर 10-15 दिन में मतलब घी बन जाता है, कम से कम 1-1.5 किलो निकल जाता है। तो बनाती मम्मी घी सही बात है। खुद छलन फ्राई करके, कितना 1 घंटा हो गया, कितना टाइम लगता है इसको करने में, इसको करने में और घी पकने में 1 घंटा और बनाने में तो लग जाता है 1 घंटा और खाने खाने में 15 दिन मम्मी खाने में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितने हो सके। ओके, तो ये रख दिया यहाँ पे तेल। तेल हो रहा है गरम, कढ़ाई थोड़ी मोटी है तो उसमें तेल गरम होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, और तो यहाँ दूसरी पे दूसरी कढ़ाई में मम्मी ने वो घी घी बनाया बनाया था। नहीं अभी वो बाद में रखेंगे, पहले चाय बनाएंगे, चाय अच्छा पकौड़े खाएंगे, उसके बाद घी बनेगा। और यहाँ पे ये तैयार हो रहा है यहाँ पे मैश पकौड़े का कर दिया सामान। थोड़ा आलू प्याज बेसन थोड़ा कम नहीं है? ठीक है नहीं ठीक है ठीक है, वो मोटी मोटी कोटिंग अच्छी नहीं लगती ना बेसन की, भैया सही बात जितना है। पतला हो उतना अच्छा लगता है। बनने जा रहे पकौड़े, रेडी हो गए यहाँ पे इसका पकौड़े का सामान। आज क्या शुक्रवार है क्यों, क्या हुआ? और ये मम्मी चाय बाहर ले जाती हुई, अभी चाय फाइनली भी बन गई पकौड़े है। बन चुके हैं, अब बट रहे हैं गरम गरम, साथ साथ खा रहे हैं, ठीक है। और क्या, चलो बढ़िया है, यहाँ पे फाइनली गरम गरम पकोड़े बन गए हैं। और मम्मी यहाँ पे चाय बांटती हुई, जैसे कि पहले पहले ही बताया था कि चाय मम्मी के हाथ की सबको पसंद आती है। टेंशन नहीं हो जाएगी, हम लोग आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। तो चाय मम्मी बेस्ट बनाती है, और बाकी बाकी तो कोई भी कुछ भी बना लेते हैं।
और ये पकोड़े खाते हुए। अरे वाह अच्छा, ये ना आलू प्याज धनिया मिर्च, धनिया मिर्च ये माऊ नहीं रहा, गोभी ना पापा गोभी नहीं थी। अरे वेट कर रहे हैं बढ़िया कराड़े फसला अच्छा भी है नहीं बिल्कुल भरी कप हाँ तो मजा बहुत बढ़िया ये आज। अरे वाह तो बढ़िया, आज हमारे नाती 4 महीने हुई है, हमारे नन प्रधान 4 महीने हुई आज वे इसमें बढ़िया आज पकड़ गरम गरम और भी फर्स्ट क्लास। और ये भैया पकौड़े पकौड़े बन रखे हैं, जैसे कि आपने जैसे कि पापा ने बताया है कि आज नन प्रधान जो है 4 महीने का हो गया है हाँ। तो उस खुशी में अंजलि ने बना रखे हैं पकौड़े आलू और प्याज के, जो कि खाने में बहुत अच्छे हो रहे हैं और चाय के साथ में बहुत मजा आ रहा है खाने में हाँ। तो मैं ये बात और पहुंचाना चाहूँ, वंत ए नाम च वैदिक हाँ। ये घर नाम च ननप्रधान ननप्रधान के लिए घेरी हमारे घरों में उत्तराखंड में ननप्रधान बहुत फेमस है हाँ। जे उबले विषय गाना कि ननप्रधान दिले को मैं तो जन दे भारी हाँ। यू मैं नाम मैं तो नहीं जादू तू जादी जय भागी तू इंदर पर आंजी दूसरी पापा जी इसका मतलब भी बताओ। मेरे पर आंटी नाम छे वे हाँ। लोग जब भी लोग इनावना जान थे ना कुछ भी जान थे कोपी माँ मेरा माँ खास लफड़ कुछ भी जान थे तो नरपत अंतर पूछी जान थे पहले कि हम जान के नहीं जान, यानी वो वहाँ का वो था मतलब जिससे सब लोग पूछते थे हाँ सरपंच सरपंच हाँ। मम्मी ले आई है बाकी के पकौड़े भी, माँ मेरे लिए सबसे पहले अपने बड़े बेटे को पकौड़े देती। लेटा है नन्नू प्रधान घायल होके, घायल नहीं अभी ठीक है वो, अब ठीक है ठीक है जी अब ठीक है। देखो उसने पुलिस पहना है वो इसलिए क्योंकि उसे फीवर हो रहा था कल तो, अरे नीचे तो वो फिर वो इंजेक्शन लगाना फिर वो टाइट हो जाता। तो दोस्तों आज वैदिक 4 महीने का हो गया है तो उसी के समारोह में आज हम पकोड़े खा रहे हैं। अच्छा समारोह ये है हमारे लिए तो समारोह है। आप ये बताओ 4 महीने हो गए, पता लगा 4 महीने हो गए आज मतलब तो पता नहीं चला कितने जल्दी जल्दी टाइम बीतता है पता भी नहीं चलता। डेढ़ महीने तो ये वहाँ पे रहा था रोहिणी में इसलिए पता नहीं चला नहीं वैसे भी टाइम कब चला जाता पता नहीं। सीरियसली मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चला 4 महीने कब बीत गए कब चले गए 4 महीने। दोस्तों वैदिक आज हो गया 4 महीने का और हमारी काशी हो गई है आज 14 महीने की हो गई है काशी आज हाँ। ये है कि वैदिक और जो काशी का बर्थ डेट है वो तो सेम है 18/18 तो उसी के पावन उपलक्ष में काशी के पापा को लगने जा रही है वैक्सीन हाँ। खाने के बाद में वैक्सीन लेने जा रही है आज आज 3 लोग जा रहे हैं वैक्सीन लगाने, भैया दीदी और ये पकौड़े खा के फीवर कम हो जाता है पापा। दूसरा लगेगा आपको कल पहले इंजेक्शन में तो पहली वैक्सीन में तो कुछ नहीं हुआ मम्मी पापा को, मतलब ठीक ठीक थे, थोड़ा बहुत नॉर्मल हाथ में दर्द था। कल परसों जाएंगे ना, कल या परसों जाएंगे ना पापा। तो यहाँ पे मम्मी और अंजलि की बारी आ गई है पकौड़े खाने की। कैसे बना मम्मी पकौड़ा? बहुत अच्छे हो रहे हैं। और किस खुशी में? खुशी में बनाएंगे बताना। 4 महीने का हो गया अच्छा। मेरा जब 5 महीने का होगा तब बैंगन का पकौड़ा बनेंगे। बैंगन के जब 6 महीने का होगा तब करेलेंगे। 6 महीने का तो सो करेंगे अनुप्राशन। अनुप्राशन हाँ काशी हो रही है 14 महीने की। चलो बहुत बढ़िया है, चलो बढ़िया है। कल वैदिक का हुआ था यहाँ पे वैक्सीनेशन, आज हमारा हो रहा है और कल मम्मी पापा का होगा। नहीं कल वैदिक का वैक्सीनेशन हुआ, आज उसके पापा का वैक्सीनेशन है और कल आपके पापा का वैक्सीनेशन है। हाँ वैक्सीनेशन का सही बात है, वैक्सीनेशन डे चल रहे हैं 1-2-3 दिन से। सही अच्छी बात। चलो बढ़िया है तो हम चलते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। मम्मी घी बनाते हैं हाँ। 1-1.5 घंटा लगता है पूरा इसको बनाने में। देखो कितनी कम फ्लेम की हुई है मम्मी ने, बहुत हल्की। और ये हो रहा है इसमें मयोड़ू, मम्मी मयोड़ू होता है।
होता है ना ये होता है। अब घी तैयार हो गया, घी तैयार हो गया फाइनली। ये देखो ये इसका मयड़ू हो गया अलग और ये घी बन गया। मम्मी कितना निकल जाएगा, आधा किलो? पौने किलो हो जाएगा। हाँ चलो पौने किलो घी निकल जाएगा, थोड़ी देर और पकेगा ये, बिल्कुल लो फ्लेम में पक रहा है, थोड़ा टाइम और लगेगा। ओ जो लगा कावली।